हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने दरिंदगी की पूरी कहानी को बतलाया है, जिसमें रेप से पहले आरोपियों ने डॉक्टर को शराब पिलाई थी और शराब पिलाने के बाद गैंगरेप किया था, तो डॉक्टर की मौत के बाद भी आरोपियों ने शव के साथ रेप किया था। तो ये पूरी कहानी उस रात की आरोपियों ने बताई है, उस दरिंदगी की कहानी आरोपियों ने बताई है, जिसको सुनने से हर कोई सिहर उठा कि किस तरह से दरिंदगी से महिला डॉक्टर के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया, रेप किया गया और फिर उसको जिंदा जला दिया गया। पुलिस जिस तरह से पूछताछ कर रही है, उसमें इन दरिंदगों की दरिंदगी किस हद तक जा सकती है उसके बारे में जिक्र है। जब रेप से पहले शराब पिलाएगी और उसके पिलाने के बाद फिर रेप किया गया, और जब वो शव था, महिला डॉक्टर जब मर चुकी थी, उसके बाद भी लगातार रेप किया जाता रहा। तो कह सकते हैं कि कितनी घिनौनी वारदात को यहां पर इन चारों आरोपियों के जरिए अंजाम दिया गया है। जब एक अकेली लड़की को पाकर यहां पर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, ना सिर्फ अंजाम दिया गया बल्कि उसे जिंदा भी जला दिया गया। तो हैदराबाद गैंगरेप और मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है और पूछताछ में आरोपियों ने उस दिन की दरिंदगी की पूरी कहानी को बयां किया है और बताया है कि रेप से पहले इन आरोपियों ने कैसे डॉक्टर को शराब पिलाई थी और फिर शराब पिलाने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया, और डॉक्टर की जब मौत हो गई थी, आरोपियों ने उस मौत के बाद उस शव के साथ तब भी रेप किया। तो घिनौनी वारदात जिसको अंजाम दिया गया उस रात को, जब महिला डॉक्टर अपने घर जाने की कोशिश कर रही थी कि इन आरोपियों ने उसको दबोच लिया, शराब पिलाई, फिर अपनी घिनौनी वारदातों को अंजाम दिया और फिर उसे जिंदा जला दिया गया। तो देश भर में इस पूरी घटना को लेकर आक्रोश है, विरोध है, और इसी के चलते देश भर में आज जगह जगह पर ये प्रदर्शन, ये विरोध देखा जाएगा। लेकिन सवाल एक बार फिर से यही उठता है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा कौन करेगा? क्या कानून इतना हमारा मजबूत कभी होगा जब आरोपी इस तरह की घिनौनी वारदातों को करने से पहले कई बार सोचेंगे कि अगर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया तो अंजाम आखिर में क्या होगा? लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं जो खौफ है कानून का, शायद इन आरोपियों में रहा ही नहीं है, जिसके चलते इन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया है, इस बड़े घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है और फिर उस महिला डॉक्टर के शव को जिंदा जला दिया गया। तो अब देश भर से मांग उठ रही है कि इन आरोपियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, इन्हें ऐसे अंजाम तक पहुंचाया जाए ताकि कोई अगला फिर ऐसी हरकत ना करे।